नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब में। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। दोस्तों, आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है वेज हॉट एंड सर सूप की रेसिपी। बहुत ही झटपट बनती है और बहुत टेस्टी होता है और सिंपल सी रेसिपी है। इसे शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम। आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। तो चलिए बनाते हैं ये बढ़िया सी वेज हॉट एंड सार सूप की रेसिपी। कढ़ाई गर्म होने रखी है हमने और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ऑयल। ये करीब 2 चम्मच ऑयल डाला है मैंने। गरम कर लेंगे इसे। जो चाइनीज कुकिंग होती है वो हमेशा हाई फ्लेम पे होती है, उसे लो फ्लेम पे नहीं करते। अब ऑयल डालने के बाद सबसे पहले इसमें जाएगा लहसुन। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया हमने और 1 चम्मच में डाल रही हूँ अदरक और मिर्च बारीक कटी हुई। ये देखिए, अदरक और हरी मिर्चें, 2 से 3 मिर्चें मैंने ले ली थी और इन दोनों को साथ में चॉप कर लिया है क्योंकि हम हॉट एंड सॉर सूप बना रहे हैं तो ये थोड़ा तीखा और थोड़ा ज्यादा खट्टा होता है। अब हम इसे थोड़ा सॉटे कर लेंगे। जो भी कुकिंग हमें करनी है फुल फ्लेम पे करनी है। आप चाहें तो हरी मिर्च कम कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से उसे कम ज्यादा रख सकते हैं। वैसे हॉट एंड सॉर सूप में हमेशा तीखापन और खट्टापन थोड़ा ज्यादा होता है। इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे हम। अब इसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सब्जियां, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी चॉप्ड बीन्स, फ्रेंच बीन्स, ये करीब 2 टेबलस्पून है। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटी हुई गाजर, ये भी करीब 2 से 3 टेबलस्पून है। सब्जियां भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी सॉटे कर लेंगे। देखिए इस तरह से। हमें इन्हें पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्का सा पकाना है क्योंकि सब्जियों का थोड़ा सा क्रंच जो होता है वो सूप में हमेशा रहना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरे प्याज का, जो प्याज का हिस्सा होता है ऊपर का व्हाइट बल्ब, वो ये भी करीब 2 चम्मच गया इसमें। मिला लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कैबेज, ये भी करीब 2 से 3 टेबलस्पून चॉप्ड कैबेज है, ये ऐड कर रही हूँ मैं। इसे भी मिला लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मशरूम्स। जी हाँ, ये बारीक चॉप किए हुए मशरूम्स है, हॉट एंड सॉर सूप में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, ये करीब 3 से 4 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली मशरूम बहुत पसंद है और बहुत हेल्दी होते हैं मशरूम्स, तो आप भी इसे ऐड करें। लेकिन अगर किसी को एलर्जी हो या आप इसे पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस हमें इसे सॉटे करना है हल्का सा। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। तो यहां पर हम सबसे पहले ऐड करेंगे सोया सॉस। डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूं मैं, 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, क्योंकि हम हॉट एंड सॉर बना रहे हैं तो थोड़ा हॉट ये चिली से ही होगा। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच चिली सॉस, आप अपने हिसाब से उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। अब क्योंकि ये सूप थोड़ा ज्यादा खट्टा होता है तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी।
ये देखिए मैं करीब करीब 1 लीटर पानी ऐड करूंगी इसमें, आप अपने मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे उबालना है, फिर हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसमें उबाल आ रहा है अच्छा सा, अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और मैं इसमें 1/2 टीस्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून से हल्का सा ज्यादा है, नमक हम ज्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी काफी नमक होता है। तो पहले हम सीजनिंग चेक करेंगे और उसके बाद कम ज्यादा हो तो हम उसे बढ़ा सकते हैं नमक को। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं, अच्छा उबाल आ रहा है सूप में। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन के, ये जो ग्रीन स्प्रिंग्स हैं वो भी डाल देंगे इसमें, मिला लेंगे इसे। ये देखिए, और अब बारी आती है हमारी कॉर्नफ्लावर स्लरी की, जहां पे मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ये देखिए, और ऐसी स्लरी रेडी की है। और अब हम ये स्लरी जो है इस सूप में ऐड करेंगे, जो इस सूप को थिक करेगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए सूप हमारा थिक हो चुका है और सब्जियों का रंग कितना प्यारा लग रहा है। अब इस स्टेज पे हम हमारी जो सीजनिंग है वो जरा चेक कर लेंगे, थोड़ा सा सूप टेस्ट कर लेंगे। परफेक्ट है। इस स्टेज पे आप चाहें तो नमक थोड़ा बढ़ा सकते हैं, काली मिर्च, विनेगर, जो भी आपकी मर्जी हो। आपको ध्यान ये रखना है कि हॉट एंड सॉर सूप जो है वो थोड़ा तीखा और थोड़ा खट्टा होता है। तो हमारा सूप ये बिल्कुल रेडी है और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। जी हाँ, धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आती है इस सूप में, ये देखिए। बस अब हम इसे सर्व कर लेंगे, सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। तो लीजिए दोस्तों, ये रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। हॉट एंड सॉर सूप हमने बनाया है, सर्दियों में इस सूप का अलग ही मजा आता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमने इसे गार्निश किया है कुछ थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती के साथ और स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स के साथ। जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय।